नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे यार एक ही चीज़ के बारे में, वो है यार ये जो लॉकडाउन हो रहा है। तो ये जो लॉकडाउन है यार, इसे लॉकडाउन बिल्कुल मत समझो यार। देखो, हर एक चीज़ की नज़रिए होते हैं, देखने के नज़रिए होते हैं। देखो, नेगेटिविटी भी होती है और पॉजिटिविटी भी होती है। तो पॉजिटिविटी के ऊपर अगर सोचा जाए तो यार, मतलब कि अगर सोचा जाए तो भाई पॉजिटिविटी भी है। तो वैसे अगर सोचा जाए पॉजिटिविटी क्या है, पॉजिटिविटी ये है कि यार आपको घर पे बैठने ही मिला भाई। मतलब कि कोई जेल नहीं है, तिहाड़ जेल नहीं है, मतलब आप कोई जेल में हो, ये एक आपका घर है। और घर के अंदर आप मतलब खुश रहते हो, आप खुद बोलते हो जब आप बाहर जाते हो, ट्रेवल करते हो, कहीं दूर बहुत दूर जाते हो, तो आप बोलते हो मुझे घर जाना है, मतलब मुझे घर जाना है, याद आ रही है, घर जाना है, घर जाना है। तो ये बात है, इसको पॉजिटिव वे में लो कि आप एक घर पे हो, अपने घर पे हो। घर तो है ही, वो अपना घर है, और जो लोग हैं वो हैं तो हैं ही, पर अपने हैं। तो मतलब इसको पॉजिटिव वे में लो कि अपने घर वाले हैं, सब कुछ अपना है। बिकॉज तुम जो लोग बोलते थे कि यार बहुत बिजी शेड्यूल है यार, उठना है जल्दी, रात को पहुँचूँगा, सोने का टाइम नहीं है, तो सब बिजी जो शेड्यूल था उसके अंदर तुम्हें अगर फ्री टाइम मिल रहा है, मतलब टाइप का तुम्हें एक ब्रेक मिला बहुत बड़ा। जैसे ऐलान तो हो गया है कि 21 डेज़ के लिए, तो मतलब कि अगर तुम्हें मिल गया है ब्रेक है, उसको एक टाइप का समझो जैसे एक मतलब कि छुट्टी होती है ना, हाँ भाई छुट्टी मिली है और मैं बहुत खुश हूँ, उसी वे में लोगे तभी तुम्हें होगा। क्योंकि यार पहले था एक दिन, दो दिन, तीन दिन, पता नहीं हो जाएगा, पहले ऐसे चल रहा, बट अब 21 डेज बोल दिया गया है तो माइंड में ऐसे होता है थोड़ा बहुत, हाँ यार क्या करेंगे। बट अगर इसको पॉजिटिव वे में लोगे ना तो दिक्कत नहीं होगी यार, ये करके देख लेना, दिक्कत नहीं होगी। अगर नेगेटिविटी से सोचोगे यार एक दिन नहीं गुजर रहा, दो दिन, तब ज़रूर दिक्कत होगी। तो पॉजिटिव वे में सोचना स्टार्ट कर दो कि हाँ यार ब्रेक मिल गई, ओ माय गॉड यार बहुत अच्छा हुआ, मतलब ब्रेक है, घर पे बैठे हैं, अब क्या करेंगे, घर वालों के साथ हैं, मतलब कि पॉजिटिव वे में सोचने लगो, तो वही तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है। कि हाँ यार, जैसे एक फौजी होता है, आर्मी मैन होता है, उसको छुट्टी मिलती है एक महीने की, तो वो पूरा मतलब घर पे रहता है, फैमिली मेम्बर के साथ रहता है, बात भी करता है, एक्सप्लोर करता है, सब कुछ करता है, इंटरेक्ट करता है। तो वही करो, मतलब कि अपनी पूरी मतलब प्रोडक्टिविटी जो भी है अपने ऊपर मतलब खोज देखो, अपने अंदर देखो क्या है। क्योंकि बात वही है ना कि यार एक वो था ना बात कि यार एक बंदा था तो कि उसका वाईफाई ख़त्म हो गया, तो कहता है कि यार मेरा वाईफाई ख़त्म हो गया था, मैं घर वालों के साथ बैठा था। यार वो बहुत अच्छे आदमी है, बहुत ज़्यादा अच्छे आदमी। तो कहने का मतलब कि लोग फ़ोन ही चलाते रहते थे घर पे और फैमिली के साथ टाइम नहीं स्पेंड करते थे। तो अब क्या हो रहा है कि यार तुम फ़ोन तो चला रहे हो, सोशल मीडिया सब कुछ, बट तुम्हारे पास जो एक्स्ट्रा टाइम है वो तुम फैमिली के साथ भी लगा सकते हो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। और यार अपने घर को देखो, घर तुम्हारा बड़ा है काफ़ी ज़्यादा, एक्सप्लोर करो घर के हर जगह एरिया में जाओ। हाँ गेहूँ का नहीं होगा इतना बड़ा, पर होगा, हर एक कोने देखो, और कोनों में जाओगे तो कोनों में तो तुम्हें वो मिलेंगे स्पाइडर मैन की निशानियाँ, स्पाइडर, तो वो जो मिलेंगे तो उनको साफ़ करना। तो जब साफ़ करोगे तो मम्मी बोलेगी बहुत अच्छा काम किया, सफाई कर दी। तो कहने का मतलब है कि पॉजिटिव वे में लो इस चीज़ को कि हाँ यार छुट्टी मिली है, तो इसको हम प्रोडक्टिविटी वे में लेंगे, कुछ करेंगे, अच्छा करेंगे, अपने लिए करेंगे। दैट इज़ अगर खुश रहना तो यस ही होगा, क्योंकि अपने ऊपर होता है कोई भी सिचुएशन निकलने के लिए। नेगेटिविटी में रहोगे तो नहीं हो पाएगा, पॉजिटिविटी में होगा तो हो जाएगा। इस सिचुएशन के भी दो एक्सपेक्ट हैं, हाँ यार नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव हमें बाहर नहीं जाने दे रहे, पॉजिटिव यार हम बाहर जाएंगे नहीं, क्योंकि घर पे ही है सब कुछ, खाने पीने का सब कुछ घर पे है, फैमिली मेम्बर घर पे है, सब कुछ। मतलब पॉजिटिव वे में सोचोगे तभी होगा। सो दैट इज़ खुश रहो, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिविटी फैलाओ, लोगों को टेंशन नहीं दो, मतलब आसपास जो घर वाले हैं, हाँ पॉजिटिव ही रहोगे तो कैसे उनको भी, वो भी खुश ही रहेंगे। सो यही है, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट इज़ बाय।